जिल्ह्यातील घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। स्वच्छता सौंदर्यीकरणावर दिलेला भर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळातही झोकून केलेल्या कार्याची पावती म्हणून स्वच्छता सर्वेक्षणात देवळाली कॅन्टोनमेंट बोर्डाने देशभरातील 64 कॅन्टोनमेंट बोर्डात चौथे तर राज्यात प्रथम स्थान पटकावले आहे। मागील वर्षापासून गतकाळातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार व सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राहुल गजबिये यांच्या मार्गदर्शनाखालील आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता यांच्या आरोग्य विभागाच्या जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कामाचे केलेले नियोजन मागील 2 वर्षात झालेली पडझड सावरत थेट पहिल्या 5 क्रमांकांमध्ये राज्य व देश पातळीवर कामगिरी उंचावली आहे। याबाबत देवळाली कॅम्प कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे आरोग्य अधीक्षक अतुल मुंडे यांनी अधिक माहिती दिली। बहुत शुभकामनाए। इस साल जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2021 में उसके नतीजे आ गए। उसमें पिछले साल आप 52वें नंबर पे थे और इस साल 52वें से डायरेक्ट हम 4वें नंबर पे आए। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो मेहनत और नतीजा, इसका नतीजा ये हुआ कि हम 52वें से डायरेक्ट 4वें नंबर पे आ गए। आपकी कड़ी मेहनत ऐसे और रखने की है, अपनी रैंक और सुधरने की है। इसमें सभी वर्करों का और सभी सुपरवाइजर का बहुत बड़ा योगदान है। अपने शहर को स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाने का है और ग्रीन देवलाली, स्वच्छ देवलाली ऐसा बनाने का है और ऐसी कड़ी मेहनत करने की है और अपनी रैंक और सुधरने की है। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। ऐसे लगन से ये काम अपने को करना है। इसमें सभी वर्करों का और सुपरवाइजर का बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अमन गुप्ता, आरोग्य निरीक्षक शिवराज चव्हाण, अतुल मुंडे, शाजेब सय्यद यांना केलेले मार्गदर्शन आणि शासकीय कंत्राटदार NH पटेल यांचे सुपरवायझर व कामगार यांनी परिश्रम घेतले। या सर्वेक्षणात देवळाली कॅन्टोनमेंट बोर्डाने 3185 गुण मिळवित राज्यात प्रथम तर देशात चौथे स्थान पटकवले आहे। देश पातळीवरील गुण क्रमांक मिळणारे कॅन्टोनमेंट बोर्ड याप्रमाणे अहमदाबाद, मेरठ, दिल्ली, देवळाली कॅम्प, पंचमढी, महू, सिकंदराबाद, जालंधर, खडकी, जबलपूर आदी देखील आहे। एनसीएन न्यूजसाठी प्रतिनिधी भारत चव्हाण, देवळाली कॅम्प।